अस्सलामु अलैकुम शुरू करता हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज मैं मौजूद हूँ इस्लामी भाई परिंदे एंड केज एसेसरीज शॉप पे। जैसा कि आपको बाहर से नज़र आ रहा है माशाल्लाह बड़े अच्छे उन्होंने परिंदे रखे हुए केजेस रखे हुए, हर तरह के केजेस इनके पास अवेलेबल हैं। यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर भी कुछ केजेस हैं और साथ कुछ ब्रीडिंग बॉक्स हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं, आप लव बर्ड के लिए, रिंग नेक के लिए, उसके अलावा कॉकटेल्स के लिए यहाँ पे कुछ देखें तो कुछ रॉ के हैं, अलेक्जेंडर के हैं, मका के हैं, उसके अलावा क्या कहते हैं आप अफ्रीकन ग्रे के हैं। तो इनके पास माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा एक्सेसरीज अवेलेबल हैं रिलेटेड टू केजेस और बर्ड्स के। तो आएँ चलते हैं, ये इनकी शॉप का बाहर से ओवरव्यू है और आएँ चलते हैं। रौनक लगी रहती है इनके पास, देखें कि इनके पास कौन कौन से एसेसरीज इस टाइम अवेलेबल हैं और उनकी क्या क्या प्राइसेज हैं। तो आएँ जी चलते हैं इस्लामी भाई के पास और एक एक करके आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से केजेस हैं और मुझे नहीं लगता कि ये प्राइसेज बताएं, क्योंकि इनकी प्राइसेज पूरे कॉलेज रोड में सबसे सस्ती तरीन है। यकीन करें कि आप जब इनके पास एक दफ़ा आएँगे, जब इनको आप समझेंगे, इनसे बैठेंगे, बात करेंगे, इनसे आप केज के वाले से इनसी प्राइस पूछेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आएँ चलते हैं पहले सामी भाई के पास, इनसे पूछते हैं कि उनके पास इस टाइम कौन कौन से और कौन कौन से साइज़ के केजेस अवेलेबल हैं और उनकी क्या प्राइसेज हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, ये जी हैं हमारे शराबी इस्लामी भाई, बड़े अच्छे भाई हैं। और अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है इस्लामी भाई? ठीक है जी, मजाज अच्छे हैं आपके, सेहत अच्छी है। तो सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, आप दोबारा जो है वो शॉप में आ गए। तो पहले तो मैं एक दफ़ा कर चुका हूँ, आपको वेलकम कर चुका हूँ, तो दोबारा भी हमारे कुछ व्यूअर्स थे वो ये ख्वाहिश कर रहे थे कि इस्लामी भाई के पास जाएँ और देखें उनके पास कौन कौन से केजेस इस टाइम अवेलेबल हैं, प्राइसेस क्या हैं। लेकिन पहले मैं वीडियो में बता चुका हूँ कि इस्लामी भाई कभी भी आपको प्राइस नहीं बताएंगे। जब आप इस्लामी भाई की शॉप पे आएंगे वो आपको बताएंगे कि क्या प्राइस है, मार्केट में क्या चल रही है, मेरे पास क्या चल रही है। तो आइए चलिए थोड़ा सा दिखाते हैं हमारे व्यूवर्स को कि आपके पास इस टाइम बर्ड्स रिलेटेड कौन कौन सी एसेसरीज हैं और जो कुछ भी है बर्ड्स रिलेटेड वो आपको दिखाएंगे। यहाँ पर आते हैं सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मेरे पास सिक्स में केज है, फाइव पोर्शन है ये, ठीक है जी। ये ऊपर वाले इसके दो अलग से हैं और ये नीचे वाले ये तीन अलग से हैं। ये फुल केज 14 नंबर में बना हुआ है, इसमें लव बर्ड्स, कॉकटेल, फिंचेस, जावा वगैरह आप बड़े अच्छे तरीके से आप इसमें ब्रीडिंग करवा सकते हैं। और क्या साइज़ क्या है इसका? साइज़ इसका डेढ़ बाई डेढ़ ढाई है, डेढ़ बाई ढाई। ऊंचाई में थोड़ी कम है इसकी, लेकिन ये कम इसलिए किया कि रेंज में आ जाएगा आपको। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हैं तो आगे ये इस्लामी भाई, फिर वही बात आ गई, प्राइस का कोई थोड़ा बहुत आइडिया दे दें, थोड़ा बहुत आइडिया दे दें ताकि चलो क्या व्यूअर्स को पता हो। दरअसल मैं ये प्राइस आपको इसलिए ले रहा होता कि इसमें आपका फ़ायदा है। जब मैं वीडियो में रेट दूँगा और आप उसको कुछ का कुछ समझेंगे या फाइनल समझेंगे उसको, मैं चाहता हूँ कि जब आप मेरे पास आए मैं आपको मार्केट से हट कर मैं प्राइस आते हूँ और ऐसी प्राइस दूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दावा नहीं करूँगा, मैं ना दावे करूँगा, लेकिन मैं अल्लाह की फजल से, अल्लाह की रहमत से ये जरूर कहूँगा इंशाल्लाह ताला कि मेरी कोशिश होगी आप मेरे पास चल कर आए, मैं आपकी डिमांड के मुताबिक आपकी मोहब्बत को शामिल करके इंतहाई मुनासिब आपको मैं रेट दूँ ताकि आपको उसके बाद किसी और के पास जाने की जरूरत ना पड़े इंशाल्लाह। इसलिए मैं रेट मतलब कि वीडियो में शो नहीं कर रहा होता इंशाल्लाह। जब आप मेरे पास चल करेंगे फिर मैं आपको बोलूँगा हम कितने आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, कितना आपको प्यार देते हैं और सबका सब फ्रोश में इंशाल्लाह प्राइज में डाल के आपको वेलकम बोलेंगे। ओके करेंगे। इस केज के बारे में बताएं, काफ़ी बड़ा केज है ये प्यारे में। ये मेरे पास ये 2x2 4 का केज है, इसमें आप रिंगनेक, कॉकटेल, रसीला और शैम्पू आप लगा सकते हैं। ये पूरा सेट है? ये पूरा सेट है। तो ये बहुत ही बेहतरीन केज है और इसका ट्रे भी अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है जी, ट्रे भी इसका अच्छा है। ये डबल बैंड अब लिखा हुआ है, ठीक है, और इस पर आपको डबल बल्कि इसमें आपको ऑप्शन है, आप फ्रंट बॉक्स भी लगा सकते हैं, दोनों साइडों में इसकी बॉक्स का ऑप्शन दिया होगा, ठीक है जी। आगे इसी चीज़ में आपको ये मिलेगा 2x2 3 इसका साइज़ है, इसमें भी आप मतलब के कॉकटेल लवर्स और शंख नोर, पाइनएप्पल नोर आप रिंगनेक इसमें न्यूट्रिशन में आप लगा सकते हैं। ये पूरा सेट है? ये पूरा सेट है। ठीक है। आगे ये जो साइज़ है
ये लबर्स के लिए है, लबर्स के लिए, कॉकटेल के लिए डेढ़ बाई डेढ़ स्टैंडर्ड साइज ये होता है। रिंग नेक भी इसमें कर सकते हैं, रिंग नेक आप लगा सकते हैं, लेकिन जो ब्रीड के लिहाज से जो साइज है ना वो रिंग नेक के लिए ज़्यादा मुनासिब है, ये कॉकटेल के लबर्स के लिए बहुत अच्छा साइज है। रिंग नेक आप जब लगाना चाहते हैं तो कम अज़ कम आप उसको दो बाई दो तीन का साइज दें। ठीक हो गया जी, ये चार में है, चार पोर्शन है, फोर पोर्शन है। आगे ये जो मैंने पहला तो आगे ये दस नंबर वायर में है, इसमें ये दस नंबर वायर में है, इसमें आप रा लगा सकते हैं, ग्रे पैरट आप लगा सकते हैं, रिंग नेक लगा सकते हैं, जो आपको मतलब कि आपकी चॉइस हो। और इसमें एक ही है कि ये पार्टीशन वाला केज है, ठीक है, इसकी पार्टीशन जो बाहर निकलेगी, समझ गए, पार्टीशन बाहर निकलेगी। और इसके दोनों साइडों पर हमने बोर्ड्स का ऑप्शन दिया हुआ है, क्योंकि आप अपनी मर्जी से पार्टीशन लगा के भी अगर कुछ लगाना चाहें, दो पैर लगाना चाहें वो भी आप लगा सकते हैं, बॉक्स लगा सकते हैं, और अगर आप इसमें इसको बड़ा खाना करके लगाना चाहें वो भी आप लगा सकते हैं। जी ठीक हो गया। इसके अलावा यहाँ पे हैं तो आगे ये जो पहले मैंने आपको दिखाया ना डेढ़ बाई डेढ़ ढाई का पाँच पोर्शन का खाना, ये आगे ये डेढ़ बाई डेढ़ दो का पड़ा हुआ है, ठीक है, इसमें आम लोग बच्ची पिंच वगैरह लबर का एक पेड़ छोड़ सकते हैं, ये डेढ़ बाई डेढ़ का खाना है, इसमें भी आप अपनी मर्जी से छोटी वराइटी में कुछ पिंचेस वगैरह हो गई या लबर सॉरी। आगे ये बड़ा मतलब कि ये नरार का केक है, इसमें भी आपने मर्जी से पिंचेस की आवी बना सकते हैं, जो क्रीम छोटे के साथ मैनेज कर सकते हैं। और ये नीचे बड़ा केज है मेरे पास, जिसमें आप पेट छोड़ सकते हैं, मखाओ ग्रे काका वगैरह, आप बिलियम वगैरह भी आप रख सकते हैं, आप कैश भी रख सकते हैं, तो आपकी हद है आप जो कुछ मर्जी इसमें लगाएं, लेकिन ये बहुत अच्छा फैंसी केज बना हुआ है। यहाँ पे बिल्कुल पीछे देख चुके हैं, ये सब आप दे चुके हैं। आगे ये टावर है डेढ़ बाई डेढ़ तीन का, जो आठ पोर्शन का केज होता है टावर, ठीक है जी, ये भी बहुत अच्छा और मुनासिब प्राइस आपको मिल जाएगा, लेकिन सिर्फ आपकी आमद की आमद मुंतजर है इंशाल्लाह, जो भी आप हमारे पास आएंगे इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें आपको बड़े मुनासिब प्राइस से मिलेंगी। आगे आजकल ब्रीडिंग सीजन जा रहा है, आप ओपन अपने हाउस में अपने घर में अगर आप लॉन में ये अगर लगाना चाहें फैंसी जार, जो आपके घरों में जो वाइल्ड चिड़िया आती है स्पैरो आती है उनके बच्चों के निकालने के लिए बेहतरीन चीज़ है, कलरफुल है, खूबसूरती भी होती है, और जो घर में वो डस्ट डालते हैं या नस्ट डाल देते हैं आपके बेडरूम में, वो उससे भी बचत काफ़ी हद तक हो सकती है। इसके अलावा आपके पास क्या क्या एक्सेसरीज हैं, मैं देख रहा हूँ छोटे बाउल हैं ये मेरे पास, बॉल्स हैं, स्टील बॉल्स हैं मेरे पास, जो कि बड़ी अच्छी क्वालिटी के हैं, इसको आप इस तरह बड़े अच्छे तरीके से हैंग कर सकते हैं, ये दाना आप लगाएं इसमें, उसके बाद आप मतलब कि इसमें पान लगाएं, क्वालिटी भी माशाल्लाह अच्छी है, और क्वालिटी है वो पानी वाला ना अच्छी वाला, इसके हल्के वाला भी हमारे पास आता है, लेकिन अभी तक वो माल रेडी नहीं हुआ, तैयार करवा रहे हैं इंशाल्लाह वो भी आएगा, और ये क्वालिटी अच्छी है, ये आप ओपन अपने घरों में लगा सकते हैं, बाहर अगर छत पर आप लगाना चाहें ना, वहाँ अगर आपके पास हैंग करने के लिए ऐसी चीज़ है वहाँ पर आप लगा सकते हैं, ठीक है जी। और ये रा के लिए, रिंग नेक के लिए, ग्रे पैट के लिए, ये बड़े जो पैट भी आपके पास हैं वो इसको ख़राब नहीं करेंगे, तोड़ेंगे नहीं, जो आप आए रोज़ ये शिकायत आपकी होती है ना कि प्लास्टिक पॉट्स वो टूट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, वो इस तरह वो मसला आपका हल हो जाएगा इंशाल्लाह। इसके अलावा ब्रीडिंग बॉक्स पड़े हैं, बजी का बॉक्स जी, ये बजी का बॉक्स है, किट का बॉक्स है, ये इसकी रेंज भी मुनासिब है और आपकी रेंज में भी आएगा, और ये बेहतरीन मतलब कि आप इसको फिंचेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, बंजी के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, बंगलाइज के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और ये मुनासिब इसकी प्राइस है, आपकी रेंज में भी इंशाल्लाह। बाकी इसके अलावा यहाँ पे है तो यहाँ पे भी कुछ एक्सेसरीज पड़ी हुई हैं, ये एक्सेसरीज, ये मज़े की बात मैं बताऊँगा आपको, ये हमारे पास पॉट्स होता है, ये आजकल केजी में जो लगा होता है ना, केजी में ये पॉट्स लगा होता है, इसका नुकसान ये है कि आपके बर्ड दाना बार फेंक देते हैं, ठीक है, जो आपका वन वीक दाना चलता है ना वो थ्री से फोर डेज में ज़ाया हो जाता है, इसमें ये है कि जब आप जाली के नीचे आप इसमें दाना डालकर आपने बर्ड से आगे रखते हैं, फिर वो अपने पाँव से दाने को बाहर निकालने में नाकाम रहते हैं, कामयाब नहीं होते हैं, और आपका दाना देर पर चलता रहता है, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा ये कि अगर आपके पास एक पेड़ है लव बर्ड काउटल बजी का, तो आप इसमें दाना दो तीन चार दिन तक डाल सकते हैं, अगर आपने कहीं ट्रैवलिंग करनी, कहीं आपने आना है या जाना है, कोई गमी किसी का वाक़ आपके पास आ जाता है, तो आप ईजी इसमें दाना डाल के तसली के साथ जा सकते हैं। ये छोटा साइज भी है और इसमें ये मेरे पास बड़ा साइज भी है, ठीक है जी, बिल्कुल। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल और करम से जो मेरे भाई और मेरी बहनें
अगर अपने घर में बैठे हुए भी अगर हम कोई चीज़ मंगवाना चाहते हैं तो मैं इंशाल्लाह आपकी जो डिमांड है रिक्वायर्ड है उसके मुताबिक बाइकिया या टैक्सी या मतलब कि मैं जिसका भी आपका सामान आपके घर में भी अलहमदिल्ला पहुँचाने की भरपूर इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। याद रखिए मेरा और मेरा आपके साथ या किसी के साथ ना कोई दावा ना कोई मतलब कि कोई कंपटीशन है, मुझे आपका प्यार चाहिए और मैं आपको प्यार इशारा देने की भरपूर कोशिश करूँगा। बड़ी बाजिश जी, अल्लाह पाक आपके कारोबार में बरकत डाले। शहजाद जी अपना नंबर मेंशन कर दें। 03222-526-1211। और उम्मीद करते हैं कि इसके अलावा भी जितनी भी आपके पास एक्सेसरीज होंगी, कोई भी बंदा जब इंशाल्लाह आपके पास हमारे रेफरेंस से आएगा, बताने की जरूरत तो नहीं है, तो आप कुछ भी डिस्काउंट करेंगे अल्लाह के फजल अल्लाह करम से। मैं चाहूँगा कि आप आकर किसी का रेफरेंस ना दें, आप अपना तल्लुक मेरे साथ बनाएं इंशाल्लाह जी। मैं आपको रिस्पेक्ट दूंगा इंशाल्लाह ताला, आपको मेरी शॉप पे आके अल्लाह के फजल और करम से बगैर किसी दावे के बगैर किसी मतलब के बड़ी बड़ी बातें सुनाने के मैं आपको भरपूर रिस्पेक्ट देने की कोशिश करूंगा और मुनासिब प्राइस देने की इंशाल्लाह कोशिश। बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया।